दोस्तों ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मिठाई बांटने के लिए हो जाओ तैयार। 700 वर्षों बाद 31 मई को निर्जला एकादशी, चार राशियां होंगी करोड़पति मालामाल। जी हां दोस्तों इस बार की निर्जला एकादशी पर कई दिव्य और दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं, जिसकी वजह से अब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से अब 12 राशियों में से चार राशियों की लॉटरी लगने वाली है। ये चार राशियां धन से मालामाल बनने वाले हैं। अब इनकी किस्मत सूर्य के समान चमकाएंगे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि महर्षि वेदव्यास जी के अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को धारण किया था। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से वर्ष भर की सभी एकादशी का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो जाता है। दोस्तों निर्जला एकादशी में एकादशी के सूर्य उदय से लेकर द्वादशी के सूर्य उदय तक बिल्कुल ही जल ग्रहण न करने का विधान है, इसलिए इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस दिन निर्जल रहकर मतलब श्रेय यानी कि ज्येष्ठ मास की जो तपती गर्मी में पूरी तरह से निर्जल रहकर निराहार रहकर भगवान श्री हर विष्णु जी की पूजा करने से और मंत्रों का जाप करने से वर्ष भर की जो 24 एकादशी होती है उनका संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है और भक्तों को मनचाही मनोकामना की पूर्ति होती है, लंबी आयु की प्राप्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में इस एकादशी का व्रत रखा जाता है। तो दोस्तों इस बार यह निर्जला एकादशी 31 मई दिन बुधवार को पड़ रही है और इस दिन भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा से विशेष लाभ मिलता है। दोस्तों बताना चाहेंगे कि भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से 31 मई दिन बुधवार को निर्जला एकादशी के दिन कई सारे दिव्य और दुर्लभ संयोग एक साथ बन रहे हैं। इस दिन गुरु पुष्य योग, महालक्ष्मी योग, अमृत सिद्ध योग और 12 राशियों में से इन चार राशि वालों को मिलने वाली है बहुत बड़ी खुशखबरी। दोस्तों यूं कहें कि ये राशि वाले अब होंगे करोड़पति। दोस्तों अब इनके जीवन में आएगी अपार खुशियां। स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी अब इन राशियों में से ये विशेष राशि वालों के दुख दर्द और कष्ट दूर करने वाले हैं निर्जला एकादशी के दिन। दोस्तों इस बार यह निर्जला एकादशी के दिन कई सारे दिव्य और दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं। जीवन के किसी भी प्रकार के दुख दर्द और कष्ट है वो सब मिट जाएंगे और अब इन राशि वालों के ऊपर विशेष लाभ प्राप्त कराएंगे। दोस्तों इस बार के निर्जला एकादशी पर कई दिव्य और दुर्लभ शुभ संयोग बनने से भगवान श्री विष्णु जी की कृपा और माता लक्ष्मी की कृपा कुछ विशेष राशियों पर पड़ने जा रही है। दोस्तों इस बार यानी कि कई सौ वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ शुभ संयोग बन रहा है निर्जला एकादशी के दिन कि ये जो कुछ खास राशियां रहेंगी जो करोड़पति बनने वाली हैं, धन से मालामाल बनने वाली हैं, स्वयं विधाता भी अब इन्हें करोड़पति बनने से नहीं रोक सकते। तो आज के इस वीडियो में आपको हम उन्हीं कुछ खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों के बारे में बताने वाले हैं जिनका भाग्य इस बार के निर्जला एकादशी के दिन धन से मालामाल से भर जाएंगे, भाग्य उदय होगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, बिल्कुल भी इस वीडियो को आप लोग मिस ना करें क्योंकि यह वीडियो इन राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। दोस्तों आपको बता दें कि हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है इसे निर्जला एकादशी कहते हैं और भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करने के साथ साथ इस दिन दान दक्षिणा भी जरूर करते हैं। इस दिन सूर्य उदय से पहले उठकर विशेष रूप से नहा धोकर फिर आप भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करें, फिर माता लक्ष्मी जी की पूजा करें और इस दिन किसी की दूसरे की निंदा ना करें। साथ ही साथ इस दिन कोई भी गलत कार्य ना करें, पाप करने से बचें। इस व्रत के करने से सभी 24 एकादशियों की बराबरी कर लेती है और झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, शास्त्रों झूठ शास्त्र पढ़ना या फिर गलत ज्योतिषी बनना या झूठा वैद्य बनना ये सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस निर्जला एकादशी को करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति निर्जला एकादशी को श्रीमन नारायण श्री भगवान विष्णु जी
देवता स्वरूप मानकर पूरे मनोभाव से करता है, वह सभी पापों से मुक्ति पा लेता है और उसे गोलोक की प्राप्ति होती है। साथ ही बता दें कि इस दिन आप भगवान श्री हरि विष्णु जी को आप तुलसी का भोग जरूर लगाएं। तुलसी का भोग लगाने के बाद फिर आप यथा योग संभव यानी कि उनकी पूजा करें, उनके मंत्रों का जाप करें। दोस्तों खास बात तो है कि इस बार के निर्जला एकादशी के दिन कई सारे दिव्य और दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं, जिसका लाभ कुछ विशेष राशियों पर पड़ने जा रहा है और ये राशि वाले अब होंगे धन से माला माल। तो आइए जान लेते हैं कि आखिर ये भाग्यशाली राशियाँ कौन कौन सी है जिनको इस बार निर्जला एकादशी के दिन विशेष लाभ मिलने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, क्योंकि यह वीडियो इन राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। और अगर आप भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माँ लक्ष्मी जय भगवान विष्णु। और दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि आपके ऊपर भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी कृपा बनी रहे पूरे साल। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं उन भाग्यशाली और खुशनसीब राशियों के बारे में जिनका भाग्य अब 31 मई यानी निर्जला एकादशी के दिन चमकने वाला है। ये राशियां बनेंगी करोड़पति। तो दोस्तों इस लिस्ट में सबसे पहला जो नाम आता है जिस राशि का, वो है यहाँ पर सिंह राशि। सिंह राशि को बता दें कि अब आपकी किस्मत चमकेगी, भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी कृपा से अपार धन की प्राप्ति होगी, कार्य क्षेत्र में आपको अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त होगा, लंबे समय से पेंडिंग काम भी पूरे होंगे, जो कार आपके रुके हुए थे वो कार तो बनेंगे ही बनेंगे, धन संपत्ति में तेजी से मुनाफा प्राप्त होगा, कार्य क्षेत्र में आपको अधिक से अधिक लाभ होगा, कारोबार को लेकर चली आ रही चिंताएं दूर होगी, इनकम में बढ़ोतरी होगी, कई प्रमुख कार बनेंगे, जो कार अभी तक नहीं बने वो कार बनेंगे, भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी कृपा से कई बड़ी इच्छाएँ पूरी होंगी, धन संपत्ति के साथ साथ नौकरी में प्राप्ति होगी, प्रमोशन के योग बनेंगे, कार्य क्षेत्र में अभी तक अगर कोई काम नहीं बना तो वो काम बनेगा। साथ ही इस समय आपको व्यापार में और नौकरी में दोनों जगह पर बड़ी सफलता प्राप्त होगी, इसमें आपका भाग्य आपका साथ देगा। दोस्तों बता दें कि इसमें आप कोई भी महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी प्रशंसनीय होगा, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, कई बड़े परिवर्तन होंगे, भाग्य उदय का निर्माण होगा, ग्रहों में बड़े परिवर्तन होंगे जो आपके लिए लाभदायक रहेंगे, ये निर्जला एकादशी काफ़ी लाभकारी रहेगी। अगली जो राशि आती है दोस्तों बता दें दूसरी, वो है यहाँ पर कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों बता दें कि अब आपकी किस्मत चमकेगी और माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की कृपा से इस बार निर्जला एकादशी के दिन कई दिव्य और दुर्लभ शुभ संयोग बन रहा है जिसका लाभ मिलेगा। बता दें कि इसमें आपको नई नौकरी मिलेगी, अगर नौकरी से संबंधित कोई समस्या है, व्यापार से संबंधित कोई समस्या है तो वो खत्म होगी, कारोबार को लेकर चली आ रही चिंताएं दूर होगी, कई बड़े प्रमुख कार्य बनेंगे, अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे, मनचाही सफलताएं प्राप्त होंगी, इसमें आपकी आमदनी तेजी से बढ़ेगी, लगातार आपकी आय बढ़ सकती है और कारोबार को लेकर चली आ रही चिंताएँ दूर होगी, विशेषकर इसमें धन व्यापार में वृद्धि होगी, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, किसी नज़दीकी मित्र का सहयोग प्राप्त होगा और साथ ही आपको किसी मित्र महिला से सहयोग की प्राप्ति होगी, बेरोजगार जातक हैं तो रोजगार की प्राप्ति होगी, कारोबार को लेकर चली आ रही चिंताएं दूर होगी, अच्छे लाभ के योग बने रहेंगे, लगातार आमदनी बढ़ेगी, कई बड़े प्रमुख कार्य बनेंगे, अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे, मनचाही सफलता मिलने के योग बन रहे हैं, अधिक से अधिक आपको लाभ देखने को मिलेगा और इसमें विदेश जाने के लिए बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। अगली जो तीसरी राशि है वो है यहाँ पर दोस्तों मिथुन राशि। बता दें मिथुन राशि को अब आपकी किस्मत बहुत तेजी से चमकेगी, कार्य क्षेत्र में आपको अधिक से अधिक लाभ होगा, मुनाफा प्राप्त होगा, बता दें कि समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी और कारोबार को लेकर चिंताएँ दूर होगी, नई जॉब लगेगी और साथ ही इसमें अगर कोई कार्य आपका रुका हुआ है तो वो कार भी पूरा होगा, इसमें आपके द्वारा लिए गए निर्णय काफ़ी सराहनीय होंगे, जो भी कार्य करेंगे जो भी निर्णय लेंगे वो काफ़ी सफल रहेगा, साथ ही विदेश में कोई अगर आपका कार्य चल रहा व्यापार चल रहा तो उससे लाभ होगा, पार्टनर में कोई काम कर रहे हैं तो माता लक्ष्मी जी और भगवान श्री विष्णु जी कृपा से पूरा होगा। अब दोस्तों बता दें कि इसमें संतान की प्राप्ति भी होगी माँ लक्ष्मी कृपा से, और बता दें कि
लंबे समय से अटके हुए कार्य भी पूरे होंगे और फंसे हुए पैसे वापस मिलेंगे। रुका हुआ फंसा हुआ पैसा वापस मिलेगा, कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिलेगा। कई बड़े प्रमुख कार्य पूरे होंगे और माता लक्ष्मी कृपा बरसेगी। अब अगली जो चौथी राशि है दोस्तों बता दें, वो है यहाँ पर मीन राशि। मीन राशि को बता दें कि 31 मई को निर्जला एकादशी के दिन कई दिव्य और दुर्लभ शुभ संयोग बनने से भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी कृपा से जो घर में आपके अविवाहित जातक हैं उनके विवाह के योग्य रिश्ते आएंगे। घर में कोई शुभ मंगलकार धार्मिक कार्यक्रम होगा, धार्मिक अनुष्ठान हो सकता है। बेरोजगार जातकों को रोजगार मिलेगा, मन में प्यार और रोमांस के फूल खिलेंगे। विदेश से धन आएगा, विदेशी कंपनी से भी आपको अधिक से अधिक लाभ होगा। लंबे समय से पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण आय बढ़ेगी, व्यापार में लाभ होगा, मनचाही सफलता मिलने के योग बनेंगे। कारोबार को लेकर चली आ रही चिंताएं दूर होगी, माँ लक्ष्मी कृपा से इसमें आपको दुगुना धन लाभ हो सकता है। तो इस बार निर्जला एकादशी पर चार राशि बहुत ही भाग्यशाली रहेंगी, तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय माँ लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माँ लक्ष्मी।